बचपन में सेट्स तो पढ़ा ही होगा, और सेट्स का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ, जो कहता है कि आप सेट में कोई सिमिलर एलिमेंट नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि अगर वन सेट में कोई प्रेजेंट है तो उसमें आप दोबारा से वन नहीं डाल सकते, ऐसा सेट्स में होता है। और यही सेट होता है आपका जावा में। जावा में भी वही प्रॉपर्टी आपका कंटेन करता है, जिसमें क्या कहता है वो कि एक सेट में, जो जावा का सेट होता है, उसके अंदर आप एक जैसा एलिमेंट नहीं डाल सकते। आपने गूगल में जब भी लॉगिन किया होगा या फिर आप जब भी अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो वहां पर आप सिमिलर ईमेल जब डालते हैं तो वहां पर दिखाता है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वहां पर आप सेम ईमेल नहीं डाल सकते। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो सेट होता है उसके अंदर आप सेम एलिमेंट नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सेट्स को किस तरह से बना सकते हैं, और इसका बहुत सारा यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए देखते हैं किस तरह सेट्स को बनाया जाता है। मैं यहाँ पर java.util.star करके मैं सारे जितना भी पैकेजेस के अंदर जो भी क्लासेज वगैरह सब कुछ है, मैं सब कुछ यहाँ पर लेकर आ जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं अलग अलग से ला सकता था, इम्पोर्ट कर सकता, लेकिन मैंने डायरेक्ट सब कुछ लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबको सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से लिखना है, सेट और आपका जो क्लास है वो मेंशन करना है। उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम जो कि यहां पर ए है, उसके बाद न्यू और आपका यहां पर हैश सेट सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। हैश सेट में क्या होता है, हैश सेट के अंदर जैसे भी कोई आप जैसे ही कोई आप एलिमेंट डालते हैं इसके अंदर तो उसका एक हैश क्रिएट होता है। हैश क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ, मैंने आप लोगों को कहीं बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि पासवर्ड का हैशिंग किस तरह से होता है। आप कोई अपना एक नाम डालते हैं तो उसका एक अलग सा एक हैश क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है कि यहां पर भी हैश क्रिएट होता है, वन है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ भी एक हैश क्रिएट हो जाएगा, जैसा इसका फंक्शन होगा उस हिसाब से एक हैश क्रिएट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जैसे ही वन को एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसका एक हैश क्रिएट होगा, फिर टू के एलिमेंट को ऐड करेंगे उसका हैश, फिर उसके बाद थ्री का एक अलग हैश, और जैसे ही आप सेम एलिमेंट डालने का कोशिश करेंगे तो वहाँ पर अगर हैश मिलता जुलता मिल गया तो यहाँ पर आपका इसको रिजेक्ट कर देगा, ये अपने सेट में ऐड नहीं करेगा। मैंने आप लोगों को हैशिंग में ये भी बताया था कि आप लोग हैश से वापस उस वैल्यू में नहीं जा सकते जो कि आपका एक्चुअल वैल्यू था। जैसे कि अगर मुझे हैश मालूम है, मान लीजिए ये है मेरा हैश, तो मैं इससे लौट कर वन पे नहीं आ सकता, लेकिन मैं वन जब भी डालूंगा और हैश कैलकुलेट करूंगा तो मुझे हर बार यही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि हैशिंग के थ्रू चेक किया जाता है कि आपका जो वन है वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको हैश सेट बनाना, और हैश सेट के अंदर ऐड करने के लिए आपको आपका जो वेरिएबल का नाम है उसके बाद ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करना और यहाँ पर वैल्यू देना है। यहाँ पर इंटीजर है तो मैं इंटीजर वैल्यू यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने वन ऐड किया, टू ऐड किया, फिर थ्री ऐड किया, उसके बाद मैं वापस से वन ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या हम लोग वन टू थ्री वन इस तरह से कुछ देखने को मिलता है, या फिर मुझे सिर्फ वन टू थ्री ही देखने को मिलता है। मैं इसको एक बार यहाँ पर रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वन टू थ्री देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेट में सिमिलर एलिमेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो वन था इसको हटा दिया गया, इसको ऐड नहीं किया गया। आप 10 बार, 15 बार, 25 बार, 100 बार, 1000 बार भी अगर वन को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो सेट में वो ऐड नहीं होने वाला है। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं जो कि है यहाँ पर ए डॉट इज एम्प्टी। ये क्या करेगा, ये बताएगा कि आपका जो सेट है वो एम्प्टी है कि नहीं। यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ एलिमेंट डाल कर रखा है तो यहाँ पर ये इज एम्प्टी नहीं है, जिसके कारण ये यहाँ पर हम लोग को फॉल्स दिखाना चाहिए। तो क्या हम लोग को ये फॉल्स दिखा पा रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को फॉल्स देखने को यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है। ये समझ में भी आ गया आप लोगों को। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन ए डॉट कॉन्टेंट्स बी, कॉन्टेंट्स भी नहीं है यहाँ पर, टू है। हम लोग यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सेट बना है उसके अंदर टू प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये हम लोग को बताया कि प्रेजेंट है कि नहीं, अगर प्रेजेंट हुआ तो टू ट्रू, और अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो फॉल्स। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रू आ गया, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिल चुका है ट्रू, क्योंकि यहाँ पर टू प्रेजेंट है। और यहाँ पर एक और मेथड होता है जो कि है ए डॉट रिमूव। ए डॉट रिमूव से क्या होता है, ए डॉट रिमूव से आपका जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर थ्री है तो ये यहाँ पर रिमूव हो जा रहा है। तो यहाँ पर वापस से रन कर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पर वन टू आपका जो वैल्यू है सेट का वो आ रहा है, क्योंकि थ्री यहाँ से रिमूव हो चुका है। उसके बाद हम लोग सेट को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर वन टू ही बचा उसके अंदर। अब उसके बाद आप साइज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है, तो ए डॉट साइज लिखेंगे तो आपका साइज कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से थ्री रिमूव हो चुका है तो इसका साइज दो ही है, यानी कि दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बता दे रहा है वो। उसके बाद ए डॉट क्लियर करने से क्या हो जाएगा कि आपका जो पूरा सेट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ए को प्रिंट करें तो देखिए हम लोग खाली थर्ड ब्रैकेट देखने को मिल जा रहा है। आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर हैश सेट हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर एक होता है लिंक्ड हैश सेट। एक काम करते हैं, लिखते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर सिर्फ हैश सेट का आप इस्तेमाल करते हैं तो होगा क्या कि आप जिस
जिस सीक्वेंस में नंबर को ऐड कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में आप लोगों को देखने को मिले। यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है 1, 2, 3, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर 2 भी पहले आ सकता है, 3 भी पहले आ सकता है, 1 भी पहले आ सकता है, तो किसी भी तरह से इसका अरेंजमेंट का कोई गारंटी सेट नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन आप जैसे लिंक्ड हैश सेट लिखते हैं तो यहाँ पर सारा मेथड तो सेम ही रहने वाला है, जितना भी मेथड्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो सब तो सेम ही रहेगा। लेकिन होगा क्या कि आप जिस अरेंजमेंट में, मतलब जिस सीक्वेंस में इसको ऐड करेंगे, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। इसको रन करते हैं एक बार और, यहाँ पर नीचे आते हैं, हमने इसको रन किया गया, ऊपर जाते हैं एक बार, यहाँ पर हाँ ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये 1, 2, 1, 2, 3 हमने इस सीक्वेंस में ऐड किया, तो इस सीक्वेंस में हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसको ऊपर कर दें, एक काम करता हूँ मैं इसको ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये 2 ऊपर आ गया। अब देखिए हम लोग इसको रन करेंगे तो हम लोग को देखिए 2, 1, 3 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कहाँ गया, 1, 2, 3 देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा, हमने अभी तक सेव ही नहीं किया है, अभी तक हमने सेव ही नहीं किया था वो। ओके, अब इसको हम लोग वापस से रन करते हैं और ये देखिए 2, 1, 3 यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और होता है ट्री सेट, उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट है वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ ट्री सेट, यहाँ पर एक ऑर्डर में वो अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर रन किया हमने, यहाँ पर 1, 2, 3 देखिए यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 1 के जगह 5 कर दें तो क्या ये पीछे जा रहा है? एक बार चेक कर दें हम लोग, 1 के जगह अगर हम लोग इसको 5 कर दें तो ये पीछे चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर पीछे एकदम लास्ट में आ गया 5, और हमने यहाँ पर 1 को देखिए लास्ट में ऐड किया था, तो हम लोग को 1, 2, 1, 2, 3 और 5, 5 देखिए लास्ट में एकदम देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।